हेलो फ्रेंड्स, once again welcome again in my YouTube channel of Biology Concepts. So today we are going to discuss one of the very interesting topic. As you all know, we are discussing a video series for class 10th students. So basically I have made this video series for class 10th students and today my topic of discussion will be transpiration. So today in this chapter we are going to discuss about transpiration overview. Actually what basically is transpiration I want to tell you. सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि transpiration एक ऐसा process है जहाँ पे plant excess water को remove करेंगे, water excess या water which is excess इन प्लांट्स में जो भी एक्सेस वाटर है उसको प्लांट्स रिमूव करेंगे. कहाँ से? फ्रॉम एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट, फ्रॉम एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट. अब वो एरियल पार्ट लीफ भी हो सकती है, स्टेम भी हो सकता है, रूट्स तो नहीं होंगे. एरियल पार्ट्स में आएंगे स्टेम, लीव्स एक्सेट्रा, एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट्स. अब अगर स्टूडेंट्स हम लोग ये बात करें कि ट्रांसपिरेशन क्यों इम्पोर्टेंट है, ये तो मैंने एक बेसिक सी डेफिनेशन आपको बताई, ठीक है. अब मैं ये बताने चल रही हूँ आपको कि व्हाई ट्रांसपिरेशन इज इम्पोर्टेंट. अगर प्लांट्स में ट्रांसपिरेशन नहीं होगा तो क्या क्या प्रॉब्लम्स आएंगी. एक्चुअली ट्रांसपिरेशन से ही प्लांट को कूलिंग इफेक्ट मिलता है. व्हाई ट्रांसपिरेशन इज इम्पोर्टेंट? बिकॉज इट विल प्रोवाइड कूलिंग इफेक्ट टू द प्लांट. जब भी प्लांट हीट स्ट्रेस से गुजर रहा होता है उस कंडीशन में प्लांट्स को कूलिंग इफेक्ट कौन सा प्रोसेस प्रोवाइड करने वाला है? ट्रांसपिरेशन. और आपको मैं बता दूं यहाँ पे एक टर्म आता है ट्रांसपिरेशन पुल. ट्रांसपिरेशन पुल का मतलब वो पुल जो प्लांट में लगाया जाए, कहाँ से? रूट्स के थ्रू. नीचे से रूट प्रेशर जनरेट होगा, रूट्स लगाएंगी. जो पुल लगाया जाए अपवर्ड डायरेक्शन में, दैट पुल विल बी द इन द अपवर्ड डायरेक्शन. और वो अपवर्ड डायरेक्शन में क्यों लगाया जा रहा है? क्योंकि प्लांट्स अपने वाटर को अपवर्ड डायरेक्शन में भेजना चाह रहे हैं एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एसेंट ऑफ सैप. दिस प्रॉपर मैकेनिज्म ऑफ अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू ट्रांसपिरेशन पुल इज नोन एज एसेंट ऑफ सैप, यू कैन से. सो ट्रांसपिरेशन पुल इज वेरी मच एसेंशियल फॉर द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन. इसी ट्रांसपिरेशन पुल की वजह से ही वाटर अपवर्ड मूवमेंट में जाएगा और इस प्रोसेस को हम लोग बोल देते हैं एसेंट ऑफ सैप. ओके फ्रेंड्स, तो अगर हम लोग बात करें कि ट्रांसपिरेशन की क्या इम्पोर्टेंस है, क्या फंक्शन है, अगर ट्रांसपिरेशन नहीं होता तो क्या लीव्स तक, क्या ट्रांसपिरेशन पुल ना होता अगर तो क्या लीव्स को वाटर पहुंच पाता? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस भी हैम्पर होती कहीं ना कहीं, क्योंकि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट होती है. आप सबको पता है फोटोसिंथेसिस के लिए हमें CO2 चाहिए, वाटर चाहिए एज अ रॉ मटेरियल अगर हमें ग्लूकोज बनाना है प्लांट्स के लिए. तो इस प्रोसेस के लिए भी काफ़ी हद तक ट्रांसपिरेशन इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ट्रांसपिरेशन एक्सेस वाटर को तो लॉस करेगा ही करेगा, साथ ही साथ ये ट्रांसपिरेशन पुल जो क्रिएट हो रहा है वो भी प्लांट के लिए कहीं ना कहीं वेरी इम्पोर्टेंट है. जो मैंने पिछला वीडियो बनाया था वो मैंने ट्रांसपिरेशन और गटेशन का एक ओवरव्यू बनाया था, एक कंपैरेटिव चार्ट मैंने दिया था आपको. उसमें इस वीडियो में मैं सिर्फ ट्रांसपिरेशन का ओवरव्यू बताना चाह रही हूँ. बाकी नेक्स्ट वीडियो हमारा होगा ट्रांसपिरेशन सिग्निफिकेंस एंड व्हाट आर द कंडीशंस विच आर नेसेसरी फॉर ट्रांसपिरेशन. अगले वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगी कि ट्रांसपिरेशन, अगर आपको ट्रांसपिरेशन, सपोज ट्रांसपिरेशन रेट आपको बढ़ाना है तो आप प्लांट में क्या क्या मॉडिफिकेशन करेंगे कि ट्रांसपिरेशन रेट बढ़ जाए, ठीक है. तो मैं आपको अगला जो हमारा वीडियो होगा वो इसी पर होगा, ट्रांसपिरेशन की सिग्निफिकेंस एंड व्हाट आर द कंडीशंस विच आर नेसेसरी फॉर ट्रांसपिरेशन. इसको हम लोग थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे. ये वीडियो सिर्फ एक ओवरव्यू था ट्रांसपिरेशन का, ऑल्दो मैंने ट्रांसपिरेशन के बहुत सारे पॉइंट गटेशन ट्रांसपिरेशन का जो कंपैरेटिव वीडियो मैंने बनाया था उसमें आपको मिल जाएंगे, को जो मैंने पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस लिखवाए थे. एंड आई होप फ्रेंड्स ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल होगा. जितने भी स्टूडेंट्स बोर्ड एग्ज़ाम की को लेकर काफ़ी टेंशन में हैं कि बोर्ड एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गए हैं, आखिर कब होंगे। तो कीप योर प्रिपरेशंस कंटिन्यूअस, डोंट स्टॉप योर प्रिपरेशन, अदरवाइज इफ यू विल स्टॉप योर रिविजन इट विल हैम्पर योर रिजल्ट्स। So keep doing revisions. The more revision you will do, the more confidence level you become. You will become more and more confident. आपका confidence level काफ़ी अच्छा हो जाएगा जितना ज़्यादा बार हम लोग revision करते हैं। Last में मैं कुछ tips आपको देना चाहूँगी study से related. कभी भी आप जो बायोलॉजी सब्जेक्ट है, जैसा कि आपको पता है मैं बायोलॉजी कंसेप्ट अपना एक चैनल चला रही हूँ पिछले 3 सालों से। तो बायोलॉजी कंसेप्ट मैंने चैनल इसीलिए बनाया कि मैं जितने भी स्टूडेंट्स हैं लाइफ साइंस या बायोलॉजी के, उनके लिए बायोलॉजी को एज सिंपल एज पॉसिबल मैं पढ़ा पाऊँ। और बायोलॉजी में एक्चुअली आधी चीज़ें तो टर्मिनोलॉजी से ही क्लियर हो जाती हैं। अगर आपको मैं बताऊँ तो आधी चीज़ें तो यहाँ पे टर्मिनोलॉजी से ही क्लियर हो जाती हैं। तो मैं बस यही पॉइंट पे आपको क्लियर करना चाह रही थी कि जस्ट डोंट बी पैनिक, जस्ट फोकस ऑन टर्मिनोलॉजी। जो भी टर्मिनोलॉजी मैं बता रही हूँ आप उस पर फोकस करिए, जो भी प्रॉपर डेफिनेशंस हैं, जो कॉन्सेप्ट्स हैं। आपके लिए बायोलॉजी सबसे फेवरेट सब्जेक्ट बन जाएगा और बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होता भी है, बहुत सारे स्टूडेंट्स का होता भी है फेवरेट सब्जेक्ट। तो मैं आपको बायोलॉजी को ऐसा सिंपल बना दूंगी ताकि आपको कभी भी रिविजन की बार बार जरूरत ना पड़े। मैंने कई बार ये पॉइंट भी आपको बताया कि जब आप एक ही पॉइंट को कई बार मीन्स जैसे एक कोई टॉपिक है, आप उसको कंटिन्यूस 7 डेज तक अगर एक ही टॉपिक को बार बार रिवाइज करें तो वो आपकी परमानेंट मेमोरी में चला जाता है। तो फ्रेंड्स आप अगर किसी टॉपिक को फोकस कर रहे हैं, सपोज आप ट्रांसपिरेशन पढ़ रहे हैं, तो आप इसी चैप्टर को कंटिन्यूस उन्हीं टॉपिक्स को 1 वीक तक रिवाइज करिए। उस तरीके से आपका वो टॉपिक परमानेंट मेमोरी में चला जाएगा। So that is all about today's lecture. I hope friends we will meet soon, and if you like this video please hit the like button and share with your friends. If you like this video share with your friends, and bye once again. Thank you, take care.